हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ के लिए हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, वैसे तो ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग की, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन अगर उससे पहले आप चाहते हो इसका जो अभी सीट वैकेंसी रिलीज किया गया कि क्या क्या वैकेंट सीट रहेगा, नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिस आया वो डाउनलोड करके थॉरो आउट देखना चाहते हैं, तो सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहां पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में आई है हॉस्टल वार्डन की नई वैकेंसी। तो आई तो है हॉस्टल वार्डन के लिए, लेकिन किस डिपार्टमेंट यानी कि किस विभाग के अंदर आई है? देखिए फ्रेंड्स, प्रिमिटिव ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी आई है। हिंदी में बात करें तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के अंदर आपकी ये भर्ती निकल कर आई है। पोस्ट है हॉस्टल वार्डन का। एंड टोटल सीट्स की अगर बात करें हम कि टोटल पोस्ट कितना इसके लिए रखा गया है, देखिए 3357 यानी 3357 पोस्ट आपका ओवरऑल रहने वाला है। देखिए, जो ऑल इंडिया का वैकेंसी रहेगा तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट सभी स्टेट से अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हो, मान लो कि ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, आप बिलोंग करते हो बिहार, राजस्थान, पंजाब या फिर इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट से करते हो, तो आप जब वहाँ पर अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है। कोई कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि एज लिमिट इसके लिए क्या रहने वाला है। देखिए, उम्र सीमा आपका 18 से 35 वर्ष है, मतलब कि 18 to 35 इयर्स रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स यानी 5 वर्ष का। ये रिलैक्सेशन मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के ओबीसी होंगे और एससी एसटी होंगे उनको मिलेगा, ठीक है? अब देखें कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। अब हम जानेंगे कि इसका फॉर्म फी क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 150 यानी 150 रुपीज लिया जाता है। जो एस सी एस टी कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट है उनसे 100 यानी 100 रुपया लिया जाएगा, और जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होंगे ना उनसे 75 रुपीज यानी 75 रुपीज लिया जाएगा, ठीक है? क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th पास, मतलब कि अगर आपने इंटर पास कर रखा है, डजेंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप बस पास आउट है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अभी हम जानेंगे कि इससे रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, सिलेक्शन आपका 2 स्टेज का होने वाला है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जाम। तो देखिए, ये भर्ती का परीक्षा आपको छत्तीसगढ़ में जाके देना होगा, मतलब किसी भी आप इंडिया के स्टेट से अप्लाई करोगे, छत्तीसगढ़ में जाके वहाँ पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो पेपर वहाँ जाके देना होगा। फिर जब पेपर में पास हो जाओगे ना रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा में, फिर आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस एकदम ही सिंपल है, बस परीक्षा पास करिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और इसका प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट है, जैसा कि आप जो लास्ट ईयर का वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी आपका सब कुछ इसमें करा दिया जाता है, ठीक है? अब हम चर्चा करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज के ऊपर कि आपका एग्जाम जो होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, पेपर आपका 100 क्वेश्चंस का होगा फॉर 100 मार्क्स। इससे क्या पता चलता है कि पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 1 मार्क। टाइम होता है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का परीक्षा होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो देख लीजिए, टोटल 8 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं। कंप्यूटर से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी से संबंधित 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज का 5-5 क्वेश्चन दोनों से रहेगा। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन,
जीके यानी जनरल नॉलेज जो ओवरऑल इंडिया सा क्या रहेगा वो आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ अब ओवरऑल इंडिया से तो पूछ लिया, अब छत्तीसगढ़ की भर्ती है तो वहाँ का भी तो स्पेशल आपसे जीके पूछेगा। तो देखिए वहाँ का स्पेशल आपको 5 नंबर का पूछता है, लेकिन फिर भी आप इससे रिलेटेड एक किताब खरीदेंगे और उसको रट के पढ़ के अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी से आपका 10 क्वेश्चन होता है, लास्टली आपको करेंट अफेयर से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग आपके हॉस्टल्स रहते हैं प्रीमिटिव कास्ट और जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल वार्डन के रूप में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। तो जब आप कार्यरत होंगे वहाँ पे तो कुछ आपको सर्विस के ड्यूरेशन में सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, तो आइए उसके ऊपर चर्चा कर ले। देखिए इन स्टार्टिंग यू विल गेट 25,300 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की जो इंक्रीमेंट होगी उसके बाद आपकी सैलरी 80,500 रुपये पर महीने की हो जाती है। तो ये जब लिखित रूप से इतना सैलरी है तो जरूर ऐसा है कि इससे ज़्यादा आपको रियली में दिया जाता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आप सोच रहे होंगे इसके रिगार्डिंग कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। देखिए शॉर्ट नोटिस तो जारी कर दिया गया ऑफिशियली, जिसमें बताया गया है कि कितना सीट खाली है, क्या सब सारा प्रक्रिया मैंने बता दिया, लेकिन अप्लाई का जो डेट रहेगा ना अक्टूबर के एंड से लेकर नवंबर के स्टार्टिंग में आपका अप्लाई होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी से जस्ट पिछले महीने आपका क्या हुआ है, एग्जाम हुआ है जो इससे पहले की भर्ती आई थी उसका, तो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो तैयारी की स्पीड को भी आप फास्ट कर लो ताकि आप अपना एक सीट इसमें अचीव कर पाओ। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना है। हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाए ताकि सारे न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।